वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। अभी एक वायरस के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं। अब जो लोग रिकवर हो गए हैं उनमें से कई लोगों के हमारे पास मैसेज आते रहते हैं, जिनमें अधिकतर लोगों को ये का ये कहना है कि बहुत खांसी आ रही है और खांसी को ठीक करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नींद आती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो इस वायरस से अगर आप लड़ के आए हैं और उसके बाद आपको बहुत खांसी आ रही है तो इस समय में क्या करना है आपको? देखिए, नॉर्मल पानी पीने की बजाय आप थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए। दूसरी चीज़, अपने जो सलाइवा है ये कंटिन्यूसली, मतलब गले को ल्यूब्रिकेटेड रखना है आपको। ल्यूब्रिकेटेड रखने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल सी चीज़ें आप कर सकते हैं। मुलेठी यानी लिकोराइस, इसका एक टुकड़ा ले लें और ये टुकड़ा आप मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाते रहें। इससे क्या होगा, आपका सलाइवा ज़्यादा बनेगा, वो सलाइवा धीरे धीरे आप गले में उतरते रहें। गले में जैसे जैसे ल्यूब्रिकेशन आपका बढ़ता जाएगा, ये जो खांसी की प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत रिलीफ आएगा। कभी मुलेठी नहीं है तो आप लौंग का टुकड़ा रख लें, काली मिर्च का टुकड़ा रख लें, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। अगर बहुत ज़्यादा खांसी आने लगे तब क्या करना है, इसके लिए मैं एक मिक्सचर बनाना आपको सिखा देता हूँ। ये मिक्सचर आपको बना लेना है। इसके लिए आधा चम्मच आपको काली मिर्च ले लेनी है, उसमें 4-5 लौंग डाल देनी है, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर बनाना है, मतलब हमें सभी चीज़ों का पाउडर बनाना है, आधा चम्मच दालचीनी डाल देनी है आपको। गिलोय सत मिलता है, अगर गिलोय सत मिल जाए तो 1 चम्मच के लगभग गिलोय का सत डाल देना है आपको और इन सब चीज़ों को पीस के महीन पाउडर बना लेना है। इसमें मुलेठी का पाउडर 2 चम्मच डाल देना है और ये जो आपका मिक्सचर तैयार हो गया है इसमें 4-5 चम्मच के लगभग हनी ऐड कर दें आप, और हनी को मिक्स करके ये एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, एक सेमी लिक्विड पेस्ट जैसा बन जाएगा। इस पेस्ट में आपको 2 चम्मच के लगभग नींबू का रस निचोड़ देना है और 2 चम्मच के लगभग ही इसमें आपको अदरक का रस मिला देना है। अब ये जो पेस्ट आपका तैयार हो गया या ये लिक्विड जो तैयार हो गया है, इसको नॉर्मली सिंपली जब भी आपको खांसी आए आप आधा चम्मच ऐसे ही मुँह में रख के और धीरे 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 गले से नीचे उतरने दें। जैसे जैसे ये गले से नीचे उतरेगा आप देखेंगे कि आपको खांसी में रिलीफ आने लगेगा। और या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी इसको ले सकते हैं कि 2 चम्मच के लगभग ये जो पेस्ट है इसको 1 कप गर्म पानी में मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से घोल लेना है। ये पेस्ट को गर्म नहीं करना है, पानी को गर्म करना है और फिर गर्म पानी में ये पेस्ट आपको मिला के, ये लिक्विड मिला के और उसको घूंट घूंट करके धीरे धीरे एक एक घूंट करके पीना है। आपको इस वायरस से लड़ने के बाद जो खांसी आ रही है उसमें बहुत जल्दी आराम आएगा। इसके अलावा अगर आपको छींके भी आने की, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि छींके बहुत आ रही है, स्नीजिंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम आए तब आपको क्या करना है, 1 कप पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है और बॉईल करने के बाद उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देनी है और सौंफ डालने के बाद उसको ढक के रख देना है। 5 से 10 मिनट तक उसको वैसे ही पड़े रहने देना है और फिर छान के उस पानी का अगर आप सेवन करेंगे तो जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। फिटकरी को लेके थोड़ा सा पानी में फिटकरी घोल के उससे आप गार्गल करें, ये भी आपका अगर गले में कहीं वायरस वगैरह के का अटैक रह गया है तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। फिटकरी के पानी से आप गार्गल करें और थोड़ा सा पानी पी भी सकते हैं फिटकरी का। ये प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो ये जो खांसी आने की आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको बिल्कुल रिलीफ आएगा। तो थे ना आसान आसान से उपाय। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9082130828 ये मेरा नंबर है। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।